Hey everyone, please watch NTrix News for latest updates in and around the world. God bless. आप सबका इस्तकबाल है NTrix News पर। आज की ताज़ा तरीन हेडलाइन पेश है। मणिपुर की हुकूमत ने लॉकडाउन बढ़ा दिया 15 जुलाई तक। इंटर डिस्ट्रिक्ट बसेस की सर्विस अलाउड है। आसाम में खौफनाक पानी का तूफान आया, जिसकी वजह से और दो की मौत हुई। 9.3 लाख लोग को नुकसान हुआ। पिछले 24 घंटे में 5 डिस्ट्रिक्ट से हुकूमत 9,303 लोगों को महफूज जगह रखने में कामयाब हुई। 14 दिन का लॉकडाउन होगा। गुवाहाटी में चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई ने ये सारे हालात की वजह हेल्थ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा को जिम्मेदार ठहराया। वंदे भारत फेज 4612 फ्लाइट जल्द ही जारी की जाएगी, जुलाई 3 से 15 तक। ये प्राइवेट एयरलाइंस जैसे इंडिगो और गो एयर इस मिशन में खास हिस्सा होंगे। तेलंगाना सीएम केसीआर ने लॉकडाउन की राय दी। 3 या 4 दिन में हुकूमत फैसला सुनाएगी। जिस तरह जीएचएमसी एरिया से दिन ब दिन कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन का ऐलान करने वाले हैं जल्द ही। कोविड फ्री करना जरूरी है तेलंगाना को। जिसे भी कोरोना वायरस के सिम्टम्स रहेंगे, उन्हें टेस्ट लेने की इजाजत होगी आइसोलेटेड जगह पर। सफीलगुड़ा लेक अब मच्छरों का अड्डा बन चुका है और तकरीबन लोगों को नुकसान और परेशानियां हो रही हैं। एक नोटिस जारी किया गया है प्राइवेट लैब्स को कोविड 19 टेस्टिंग रूल्स को फॉलो नहीं करने के लिए। हेल्थ मिनिस्टर इटला राजेंद्र ने कुछ लेबोरेटरीज को नोटिस जारी किया है जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में एक कोविड 19 की बॉडी को जेसीबी गाड़ी में डालकर कब्रिस्तान तक ले जाया गया। ये वाकया उदयपुरम पलसा म्युनिसिपैलिटी में पेश आया। आने वाले 90 दिनों में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ऑफिशियल्स को कहा, कोविड 19 टेस्ट और स्क्रीनिंग करना आने वाले 90 दिनों में इस मिशन के लिए 104 एम्बुलेंस और अर्बन हेल्थ क्लिनिक तैयार किए गए। हाई कोर्ट से जजमेंट आने वाला है आज तेलंगाना में न्यू सेक्रेटरिएट बिल्डिंग बनाने का। महाराष्ट्र में हुकूमत ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, नए रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस के साथ। घर रहे, सुरक्षित रहे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे NTrix मीडिया के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.